एशिया के सबसे अमीर इंसान और देश की सबसे वैल्यूएशन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एंटरटेनमेंट सेक्टर में धमाल मचाने के लिए डिज्नी के साथ डील की है। वहीं इसके तुरंत बाद अब एक और बड़ी खरीदारी करने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस वायाकॉम 18 मीडिया में पैरामाउंट ग्लोबल की स्टेक होल्डिंग खरीद सकती है। क्या कुछ डिटेल्स, चलिए वीडियो में समझते हैं। मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वायाकॉम 18 में पैरामाउंट ग्लोबल की 13.01% हिस्सेदारी खरीदने पर विचार कर रही है। इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास वायाकॉम 18 की 57.48% की स्टेक होल्डिंग है। मुकेश अंबानी के लीडरशिप वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुरुवार को पैरामाउंट ग्लोबल की दो सब्सिडरी कंपनी से बाइंडिंग एग्रीमेंट पर साइन किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में 4,286 करोड़ रुपए के बदले पैरामाउंट ग्लोबल की 13.01% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। वायाकॉम 18 टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। ये ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद रिलायंस की वायाकॉम 18 में इक्विटी स्टेक 70.49% हो जाएगा। इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास वायाकॉम 18 के कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर के रूप में 57.58% की इक्विटी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है और इसके लिए नियामक की मंजूरी जरूरी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिज्नी का मर्जर पिछले महीने 28 फरवरी को अनाउंस हुआ था, उसके बाद ही ये डील की जा सकती है। पैरामाउंट ग्लोबल के पास इस डील के पूरा होने के बाद भी वायाकॉम 18 के कंटेंट का लाइसेंस का काम जारी रहेगा, ऐसा पैरामाउंट ग्लोबल की तरफ से भी अनाउंस किया गया है, क्योंकि पैरामाउंट पहले से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो सिनेमा के जरिए अपनी कॉन्टेंट की स्ट्रीमिंग करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने पिछले महीने अनाउंसमेंट की थी कि वो भारत के टीवी और स्ट्रीमिंग मीडिया एसेट का मर्जर करने जा रही है। इससे एंटरटेनमेंट बिजनेस में 70,000 करोड़ रुपए की एक नई दिग्गज कंपनी का सृजन होगा, यानी कि एक नई दिग्गज कंपनी से बन जाएगी। कैलेंडर ईयर 2024 या साल 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में ज्वाइंट वेंचर का ये काम पूरा हो जाएगा। इस डील के तहत वायाकॉम 18 और वॉल्ट डिज्नी की इंडिया यूनिट स्टार इंडिया को मिलाकर भारत का सबसे बड़ा टीवी और डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनने की बात है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी ग्रुप कंपनियों को नई बनने वाली एंटिटी में कंट्रोलिंग स्टेक होगा, यानी कि $1.4 बिलियन का निवेश करेगी। मर्जर के बाद बनने वाली नई एंटिटी की वैल्यूएशन 70,352 करोड़ रुपए, यानी कि $8.5 बिलियन होगी। डील पूरी हो जाने के बाद देश के दो सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियो सिनेमा का मालिकाना हक एक ही हो जाएगा। इस नई डील के बारे में बात करें तो वायाकॉम 18 के 40 टेलीविजन चैनल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और पैरामाउंट ग्लोबल के बीच इस एग्रीमेंट के हिसाब से पैरामाउंट ग्लोबल की पूरी हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदने जा रही है। डॉलर के टर्म में ये वैल्यू 51.7 करोड़ रुपीज है। 13.01% हिस्सेदारी खरीदने की बात सामने आ रही है। और आगे क्या कुछ होना है, कब ये डील होती है, सब हम आपको गुड रिटर्न्स के जरिए अपडेट देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।